हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब अच्छे होंगे। मैं भी माता रानी के आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई आज के ब्लॉग में मैं कवर करवाने वाला हूँ हरिद्वार, वो भी एक ही दिन में। हम कोशिश करेंगे एक दिन में, ये बजट फ्रेंडली टूर रहने वाला है, और एक दिन में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं हरिद्वार में, देखते हैं क्या क्या कवर होता है और आपको भी लेके चलते हैं। ये ब्लॉग काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जय माँ गंगे हर हर गंगे जरूर लिख देना। तो एक बार अभी चलते हैं, अभी हम मैं अपने गांव में ही हूँ, मतलब हरिद्वार से थोड़ा सा ही पहले है। तो हरिद्वार आने तक के लिए आप बाय बस, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, तो वो आप सर्च करके और एक बार देख लेना। बाकी हरिद्वार का आपको टूर दिखाया जाएगा कि बजट फ्रेंडली टूर कैसे रख सकते हैं और एक दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं। कोशिश करेंगे एक दिन के अंदर अंदर हरकी पैड़ी, साथ ही साथ गंगा आरती और मनसा देवी, चंडी देवी सब कवर करें। बाकी देखते हैं क्या होता है, एक दिन में कवर हो पाता है ये सब या नहीं हो पाता है, ये तो भाई समय ही बताएगा। हम भी देखेंगे एक दिन में हम भी क्या क्या कर पाते हैं, तो देखते हैं चलते हैं, लेट्स गो। नीचे उतरते ही आपको एक बैल दिखाते हैं, जो मतलब आज के टाइम में भी मतलब गाँव में चलता है। ट्रैक्टर वगैरह होने के बावजूद भी बैल वगैरह की जो सवारी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी आनंदीय में रहती है, तो काफ़ी मज़ा आता है ये देख सकते हो भाई। और ट्रैक्टर भी है, पर ट्रैक्टर से ज़्यादा मज़ा मेरे को बैल से आता है। तो हमारे गाँव से जो हरिद्वार की दूरी थी वो थी मात्र 60 किलोमीटर, तो हमने टिकट कटवा के रोडवेज बस से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और अब लगभग लगभग पहुँच चुके हैं हरिद्वार। आप सामने पहाड़ देख सकते हो और सामने ही आपका मनसा देवी है अगर आपको दिख रहा हो छोटे से में। बाकी आपको लेके चलते हैं। तो हम हरिद्वार की पार्किंग के पास हैं और हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं, अभी चल रहे हैं हर की पैड़ी गंगा नहाने, तो चलते हैं आपको वहीं दिखाएंगे अभी सब कुछ। जय हो गंगे मैया, गंगे मैया। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा साफ है और पानी देख सकते हो भाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ये भाई देख सकते हो पूरा घाट खाली चल रहा है, अभी चल रहे हैं हर की पैड़ी पे। हर की पैड़ी पे शायद थोड़ी बहुत भीड़ हो और पानी तो भाई इस टाइम बिल्कुल ही साफ है, बिल्कुल साफ। बाकी नहा के देखते हैं भाई पानी ठंडा है या कैसा है, वो तो भाई अंदर जाके पता चलेगा। पर लेकिन भीड़ की बात करी जाए तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं आप बिल्कुल कम भीड़ है। तो भाई नहा के अभी चल रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने, तो पानी है भाई बहुत स्लीपी स्लीपी। पानी भाई बहुत ठंडा है, नहाओ घुस जाओ। ना ना इसमें ही घुसो, हाँ जंजीर पकड़ लो। ये तो काव के 2 मिनट में ही, तुम तो काव के 2 मिनट में ही। भाई पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, अभी हम भी जा रहे हैं दोबारा से जाएंगे डुबकी लगाने, दो बार लगा ली उसके बाद अभी दोबारा जाएंगे। यहाँ पे ना पैड़ियाँ ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से ना अंदर जा नीचे जा नहीं पा रहा, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी हर की पैड़ी सामने ही है, अभी वहाँ पे भी लेके चलते हैं, यहीं नहा लिए क्योंकि यहाँ थोड़ी भीड़ कम है, वहाँ ज़्यादा होगी, तो अभी यहीं नहा के अपना आगे निकलेंगे और फिर जाएंगे सबसे पहले मनसा देवी। जय हो मनसा मैया, सामने ही आपकी मनसा देवी, ये जी सामने। अभी चलते हैं, अभी एक और डुबकी लगाते हैं और फिर चलते हैं। तो वहीं नहा के हम निकल चुके हैं हर की पैड़ी की ओर, और हर की पैड़ी के दर्शन करके फिर अपन चलेंगे अपना मनसा देवी। ये आप सामने जो देख रहे हो ये अस्थि प्रवाह घाट है, मतलब यहाँ पे शायद अस्थियाँ वगैरह भाई जाती होंगी इस वजह से अस्थि प्रवाह घाट हो। ये हर की पैड़ी सामने, यही रात में आरती होती है तरी, सामने घंटा घर है अपना और भीड़ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब काफ़ी भीड़ है वहाँ के हिसाब से। अभी हमने गंगा जी में नहा लिया, गंगा जी में नहा के अब अपना चल रहा है मनसा देवी, तो देख सकते हो भाई यहाँ की भीड़। सामने आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा, श्री गंगा मंदिर और श्री नारायण मंदिर सब यही है सामने। बाकी अभी चल रहे हैं भाई, एक दिन के अंदर अंदर हमें मनसा देवी और चंडी देवी भी कवर करना है, तो अभी आगे निकलते हैं, शाम को टाइम बचेगा तो यहाँ आएंगे आपको दर्शन कराएंगे। सामने ही मंदिर है माता वैष्णो देवी का, हमारी मैया हर जगह विराजमान है, तो अभी चलते हैं आगे देखते हैं मंदिर जाएंगे वैष्णो देवी के कि नहीं। मनसा देवी पैदल मार्ग, आप थोड़ा सा आओगे 100-200 मीटर उसके बाद आपको पैदल मार्ग दिख जाएगा, तो अभी वहीं से आगे चलते हैं। ये भाई प्रसाद मिला है, 100 का जोड़ा बोल लेते पर 50 का लिया है, और नीचे जबरदस्ती थमाया, हम तो सोचे थे ऊपर लेंगे, पर चलो अभी मिल गया तो अभी आगे ही चल रहे हैं। भाई जी ने का रास्ता बड़ा खतरनाक है, सामने से आपको हरिद्वार का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो भाई
जितना ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हरिद्वार का व्यू काफ़ी अच्छा आता जा रहा है। जय माता दी, जय माँ मनसा। आज सीढ़ी चढ़ी नहीं और भाई टी शर्ट वी शर्ट सब चेंज हो गई, सबके गर्म बनियान उतर रहे हैं, पसीने ने हालत ख़राब कर दी। सामने से आप देख सकते हो व्यू, व्यू बड़ा कैंट आ रखा है पर यहाँ से एक नंबर। सामने ये है मनसा मैया, देखो भाई, जय माता दी। तो फाइनली मनसा मैया के मेन द्वार पे पहुंच चुके हैं। जय हो मनसा मैया। अभी चलते हैं अंदर, आप यहाँ से भी प्रसाद वगैरह ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, बाकी ऊपर से ही ले तो बढ़िया ही है क्योंकि नीचे से ऊपर तक लाद के लाओ, इससे बढ़िया तो ऊपर ही बहुत दुकानें हैं प्रसाद की। आप साइड्स में देख सकते हो बहुत सारे स्टॉल्स हैं प्रसाद के, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं माता रानी के दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं। जय माता दी। माँ मनसा के दर्शनों की लाइन में लग चुके हैं और आप सामने ये पढ़ सकते हो, जो भी आप सोना चांदी चढ़ाते हो उसकी रसीद जरूर लें। बाकी अभी चलते हैं माता रानी के आपको दर्शन कराते हैं, अगर आगे रिकॉर्ड करने की अनुमति होगी तो ज़रूर आपको दर्शन कराएंगे। बाकी चलते हैं आगे, आगे आपको दिखाते हैं। जय माता दी, जय माँ मनसा। ये ठीक सामने ही जो आप ये देख रहे हो चांदी और गोल्डन सी परत, इसी के ठीक अंदर ही है माता मनसा का दर्शन, माता मनसा रानी के दर्शन। तो आगे वीडियो अलाउ नहीं है तो फिर यहाँ से कैमरा बंद करता हूँ, आप फोटो के माध्यम से माता रानी के दर्शन कीजिए। जय माता जी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। वैष्णो देवी के भी दर्शन हो गए, वैष्णो माँ के भी, मनसा मैया के भी। मनसा माई के दर्शन के बाद वैष्णो माई के दर्शन है, तो वैष्णो माई के भी दर्शन आप जरूर करिए। जय माँ वैष्णो, जय माँ मनसा, जय माता दी। माता पे लगे तिलक से आप अंदाजा लगा सकते हो माता रानी के दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छे और काफ़ी भव्य दर्शन हुए और साथ ही साथ माँ वैष्णो के भी दर्शन हुए। अभी नीचे निकल गए हैं, हमने यात्रा नीचे के लिए स्टार्ट कर दिया और सामने ही है चंडी देवी, अभी वहाँ की प्लानिंग है, देखते हैं आज हम कहाँ एक्सप्लोर कर पाते हैं और आपको क्या क्या दिखा पाते हैं। चलते हैं अभी आगे। जय माता दी। मनसा माई के प्रांगण से आप बाहर निकलोगे तो आपको एक ऐसा भव्य नज़ारा दिखेगा। ये एक चोटी है जो माता रानी के मंदिर के ठीक सामने है, तो इस टीले से आप एक मनमोहक व्यू है जो आप देख सकते हो यहाँ से और पूरे हरिद्वार का लुत्फ़ उठा सकते हो इस नज़ारे के थ्रू। जय माता दी। मनसा देवी से जब नीचे उतरते हैं तो ये आपको एक ट्रैक देखने को मिलेगा जो सिंगल लाइन है, रेलवे की लाइन है, हरिद्वार से ऋषिकेश कनेक्ट करती है। भाई ये जो सामने थाली देख रहे हो इसकी प्राइस है 50 रुपये, तो अगर आप खाना चाहें या बजट में हैं 50 रुपये में आपको 4 रोटी थोड़े से चावल और 3 तरह की सब्जी मिल जाएगी, साथ में सलाद वगैरह भी मिल जाएगी और खाने का टेस्ट भी एक नंबर है। चलो अभी खाते हैं तो फिर आगे अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं चंडी देवी की ओर। जय माता दी। खाना वाना तो खा लिया, आप जा रहे हैं चंडी देवी की ओर, तो अभी आपको आगे कनेक्ट करते हैं। तो भाई हम जा रहे हैं अभी चंडी देवी दर्शन करने और चंडी देवी से पहले अभी हम चंडी घाट पे, ये देख सकते हैं चंडी घाट है ये सामने जो भी है। अगर आप पैदल जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइम पैदल यात्रा, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, पहले मनसा देवी के दर्शन कर लो, उसके बाद 3 किलोमीटर का अंतर है, ये बस एक पुल पार करना है आपको, उसके बाद चंडी देवी आ जाता है, 3 किलोमीटर का अंतर है, उसके बाद आप आगे जाके चंडी देवी के भी दर्शन कर सकते हो। जय माता दी। जब भाई इस पुल पर चल रहे हैं ना तो ये पुल हिल रहा है, मतलब जैसे कोई भारी वाहन नहीं इस पर से जा रहा है तो पुल पूरा धर 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 हिल जा रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसके ऊपर चल के। और सामने आप ये चंडी घाट के दर्शन कर रहे हो, ये चंडी घाट है जो सामने ही है और सामने ही है चंडी देवी मंदिर। जय हो मेरी चंडी मैया। एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय मनसा मैया, जय चंडी मैया, जय वैष्णो मैया जरूर लिख दे, अपनी हाजिरी लगाइए यहाँ हरिद्वार में। तभी चलते हैं आगे, आपको कनेक्ट करते हैं। अगर भाई आप मनसा देवी से चंडी देवी जाना चाहते हो और अगर आप पैदल नहीं चल पाते तो भाई मेरा तो यही राय है कि आप रिक्शा कर लो, जो कि आपके 40 रुपये या 20 रुपये जो भी आपसे लेता है, सीज़न के अकॉर्डिंग लेता है, तो उसी हिसाब से आप पैसे दे के अपना यहाँ तक आ जाओ और फिर अपनी चढ़ाई स्टार्ट रखो, क्योंकि काफ़ी लंबा पड़ जाता है ये देखा जाए तो, और ऊपर से धूप सूरज देवता भी बिल्कुल मेहरबानी है। तो अभी चलते हैं नीचे के पॉइंट पर पहुँच के आपको कनेक्ट करते हैं। जय माता दी। तो ये सामने से ही आपकी चंडी देवी की यात्रा स्टार्ट है, तो अभी अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। भाई चंडी देवी की यात्रा भी स्टार्ट हो चुकी है और भाई पूरी समतल यात्रा और खड़ी यात्रा है, तो यात्रा शुरू होने के अवसर पर जयकारा लगाते हैं, जयकारा चंडी माई दा बोल साचे दरबार की जय। ये देख सकते हो भाई जगह जगह आपको प्रसाद भी मिल जाएंगे। जय माता दी। कि भाई चंडी देवी की चढ़ाई मनसा देवी से थोड़ी सी टफ है, ये खड़ी चढ़ाई है और बिना जीने की है,
समतल चढ़ाई तो थोड़ी सी टफ है, पर लेकिन मजा जब यह जब निखार के जाओ माता रानी के दर पे, कुछ त्याग करके जाओ। सारी सुविधाओं के साथ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करते रहते हैं। और जय माता दी आप लिख दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बाकी साथ में पापा और बुआ के लड़के हमारे आंसू भैया। और बाकी अगर आप रोपवे से अपनी यात्रा करना चाहते हो तो रोपवे की भी सुविधा है, जिसमें मनसा देवी और चंडी देवी की कंबाइंड टिकट भी मिलती है, और मनसा देवी और चंडी देवी की सेपरेट टिकट भी मिलती है। अगर आप कंबाइंड लेते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा मिल जाती है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपनी यात्रा थोड़ी सरल कर सकते हैं। आप मनसा देवी से रोपवे के थ्रू यात्रा करके आएंगे तो ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ चंडी देवी के रोपवे के पास तक ला के रख देगी, और फिर यहाँ से आप चंडी देवी की रोपवे यात्रा कर सकते हैं और माता रानी के दर्शन पा सकते हैं। जय माता दी। देख सकते हो भाई बरसात में पहाड़ गिर गया था नीचे, रास्ता टूटा हुआ है। चलते हैं भाई अपना आगे। भाई चढ़ाई के दौरान आपको ये देख रहे हो तो दिन में तो शेर वगैरह का नहीं है यहाँ, पर भैया बता रहे हैं रात में शेर का यहाँ पे है, मतलब शेर आता है माता रानी के दर्शन करने, तो रात में यात्रा नहीं करें और चलते रहे और जय माता दी करते रहे। भाई ये रूट देख सकते हो, हमने शॉर्टकट लिया जंगलों के बीच से, तो आप मत लेना थोड़ा डेंजरस हो सकता है ये। ये देख सकते हो भाई हमने बहुत बीच का कवर करा है, ये शॉर्टकट लिया जंगलों के बीच से और पहाड़ियों के एक्सपीरियंस लेते हुए चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी कवर हो गया भाई इस बीच, काफ़ी कवर हो गया है। धीरे धीरे करके भाई जैकेट भी उतर गई और कमर पर आ चुकी है। सामने से व्यू देखो भाई, क्या व्यू पॉइंट है सामने, काफ़ी नियर है हम माता के। अभी चलते हैं आगे। जय माता दी। आप सबकी अर्जी माता रानी के नाम, जय चंडी मैया। माता रानी के दरबार के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हो भाई चंडी देवी में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मनसा देवी में फिर भी थोड़ी बहुत भीड़ थी और यहाँ बिल्कुल खाली है। और यहाँ की थोड़ी व्यवस्था और साफ़ सफाई मेरे को मनसा मैया के हिसाब से थोड़ी सी सही लगी यहाँ, और यहाँ की व्यवस्था मतलब जो यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं जो ट्रस्ट है यहाँ का वो थोड़ा अच्छा है। जय हो मैया, जय माता दी। मंगल द्वार। मंदिर के प्रांगण में आपकी भी हाजिरी लगाते हैं। जय हो मैया, जय माता दी, जय हो चंडी देवी, तुम्हारी सदा जय। माथे पे लगे तिलक से आपको फिर अंदाजा लग गया होगा कि हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, और चंडी देवी में व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी मनसा देवी के अकॉर्डिंग। और मनसा देवी में क्या था, मतलब वही है कि जो धांधलेबाजी चल रही है ज़बरदस्ती माथा टिकवा टेकने के लिए, मतलब बहुत लाइन को घुमा दिया जा रहा है और बीच बीच में नॉर्मली जो लोगों ने मंदिर बना रखे हैं उसके ज़बरदस्ती दर्शन करवा रहे हैं और उसी की ज़बरदस्ती उसमें पैसे दो का वो चल रहा है। बाकी यहाँ से एक बार व्यू देख सकते हो। एक और डुबकी लगाएंगे और देखते हैं शाम की आरती हम अटेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलते हैं नीचे। जय माता। भाई ऊपर आके पता चला कि यहाँ से नीचे उतरने के भी पैदल दो मार्ग है, जो आपका एक 1.5 किलोमीटर का है और एक 4 किलोमीटर का है। जिस मार्ग से अभी मैं आपको लेके आया हूँ वो 1.5 किलोमीटर का है, बट वो थोड़ा खड़ा है, मतलब खड़ी चढ़ाई है तो उसमें थोड़ा आपको मुश्किल हो सकती है। और जो दूसरा वाला रास्ता है वो 4 किलोमीटर का है पर समतल है तो वो थोड़ा ईजी है। और बाकी माता रानी के आपके सामने दर्शन है, ये करवा दर्शन कर लो फिर चलने हम नीचे। और बीच में हमने बैग वगैरह, हमने जहाँ से प्रसाद वगैरह लिया था वहाँ से हमने बैग वगैरह जमा कर दिया था। गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हो भाई मैंने सब कुछ उतार दिया है। और ये रूट आपको बिल्कुल खाली देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि बिल्कुल रूट खाली है, क्योंकि ये थोड़ा ना मतलब खड़ी चढ़ाई का रूट है तो इस वजह से ना इस रूट पर बहुत कम श्रद्धालु चलते हैं। और थोड़ा ये रास्ता ना थोड़ा मतलब डेंजरस टाइप ही मान लो, क्योंकि यहाँ पर मतलब पेड़ होता रहता है, जानवर वगैरह आ जाते हैं रात के समय तो 100% ही आ जाता है। माता कह रहे हैं माता रानी के दर्शन करने होते हैं उसे इसलिए आ जाता है, ये भी उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है भाई। जहाँ माता रानी है वहाँ माता रानी के शेर वगैरह तो होंगे। और यहाँ से आप एक बार नीचे का नज़ारे के दर्शन कर सकते हो। और ये रास्ता है भाई देख सकते हो, हम मतलब बीच बीच में से भी कई जगह ऐसा ही है कि बीच में से हमने ऐसे कट मार के आए हैं। और ये रास्ता आपका देखो ऐसा है,
और जो दूसरा रास्ता है उसमें तो आप बाइक भी ले जा सकते हो, बाइक बिल्कुल ऊपर तक ले जा सकते हो, इसमें भी बाइक ले जा सकते हो, पर आप वहाँ देख रहे होंगे आपको छोटी सी जगह में एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे उधर की साइड आपको वहीं बाइक खड़ी करनी होगी अगर आप बाइक लेके आते हो, और दूसरे रास्ते में आप पूरा ऊपर तक बाइक ले जा सकते हो, तो ये आपका प्रॉफिट है अगर आप बाइक से आना चाहते हो, तो बाइक से भी आप ऊपर चंडी देवी में जा सकते हो, पर मनसा देवी में आपको सिर्फ पैदल ही चढ़ाई करनी होगी। और यहाँ की भाई हवा की अगर बात की जाए, हवा देख लो इतनी तेज चल रही है कि भाई साहब बाल ये देख रहे हो हिल रहे हैं, जबकि बाल इतने कड़क हो रखे हैं गंगा जी में नहा के, थोड़ा धूल मिट्टी ज़्यादा घुस गई बालों में, तभी अपनी यात्रा नीचे के लिए फिर से आरंभ कर रहे हैं। देखा कि हमने हड़की पैड़ी और साथ ही साथ मनसा देवी चंडी देवी दोनों के दर्शन कर लिए, और अभी भी 3:10 की कमी है, तो आप देख सकते हो कि हमने 3 तक इतना सब कवर कर लिया। अगर आप अपनी खुद के वाहन से आ रहे हो तो आप लक्ष्मण झूला राम झूला भी जा सकते हो, तो ये भी आपका प्रॉफिट है, एक दिन आप वो भी कवर कर सकते हो। बाकी और थोड़ा अगर आपको चलने वगैरह में दिक्कत है तो आप रोपवे की मदद से भी कर सकते हो। सामने ही आंसू भी हैं और मेरे पापा हैं, तो इनके साथ ही अभी हम आए हैं, तो अभी चलते हैं आगे। जय माता दी, नीचे ही आपको कनेक्ट करते हैं। डेंजर इस वजह से ये देख सकते हो भाई, बीच में टूटा फूटा है, मतलब यहाँ पहाड़ गिर जाते हैं, यहाँ से गिरा होगा कभी पहाड़ तो ये पूरा टूट गया। सामने स्कूटी है, यहाँ तक स्कूटी ला जा सकते हो आप। 6:15 के करीब हो चुके हैं और इस टाइम चल रहे हैं गंगा आरती में सम्मिलित होने, और एक बार नहाएंगे गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद गंगा आरती में सम्मिलित होंगे, आपको भी वहीं कनेक्ट करते हैं। जय माँ गंगे हर हर गंगे। गंगा आरती में सम्मिलित होने से पहले हमने 3 तक सारा काम कर लिया था, उसके बाद थोड़ा हमारे मतलब यहाँ पे डैडी रहते हैं, मतलब ताऊ लगते हैं वो हमारे, तो हम उनसे मिलने चले गए थे। अगर आप एक दिन का टूर बना रहे हैं तो 5 तक लगभग आपका ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, अगर आपको मतलब चलने वगैरह में थोड़ी दिक्कत है, और नहीं है तो आप आगे भी निकल सकते हैं और शाम को गंगा आरती भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से अभी हम चल रहे हैं गंगा आरती में, गंगा आरती का आपको थोड़ा दृश्य दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। इस टाइम हम ललतारा पुल पे, आप देख सकते हो ललतारा पुल की ये पहचान है कि आपको एक त्रिशूल दिख जाएगा बहुत लंबा सा, और ये वैसे चंडी घाट के ठीक सामने है। भैया ने बताया हमें कि ये ललतारा पुल है, हमें तो नहीं पता था, भैया नहीं आते रहते हैं, और अभी चलते हैं गंगा आरती में सम्मिलित होंगे, उसके बाद आके अपना जल भरेंगे और फिर चलेंगे अपना घर की ओर। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, तो जल्दी से आपको गंगा आरती में ज्वाइन करते हैं। ये 6 की कैन ली है, तो इस टाइम तो इसके रेट 50 चल रहे हैं। तो गंगा जल हमने भर लिया है और अभी चल रहे हैं अपने गांव की ओर, और इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय माँ गंगे, जय माता दी, हर हर महादेव।